डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ग्रेटिट्यूड की तीसरी और मोस्ट पावरफुल टेक्निक शेयर करने से पहले एक बात जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है। तो आप कहेंगे बच्चे, माता पिता, भाई बहन या अच्छे दोस्त। इसमें कोई शक नहीं कि इन सभी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, जिसके लिए हमें इन सभी के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं हम उस पर्सन को तो नहीं भूल गए जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है? जी हाँ, वो है हम खुद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी खुशी और फीलिंग्स हमारे भीतर से ही पैदा होती हैं, तो क्यों ना हम खुद के प्रति भी धन्यवाद के भाव के साथ जुड़े रहें। यदि हमारे मन में खुशी नहीं होगी तो गाने सुनते हुए, एसी कार में बैठे हुए भी हम उन मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपसे सेल्फ ग्रेटिट्यूड के कुछ टूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और यदि आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, तो मेरे साथ मिलकर अपनी पीठ थपथपाइए और पूरी फीलिंग के साथ कहिए, चैंपियन, यू आर द बेस्ट, और पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कीजिए। तो पहला टूल है डू व्हाट यू लव टू डू। दोस्तों, हम जिन एक्टिविटीज को पसंद करते हैं या जो हमारी लाइफ को डेवलप करने के लिए जरूरी हैं, उनके साथ जुड़े रहें। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है तो अपने लिए जिम की मेंबरशिप लें। हेड मसाज या बॉडी मसाज भी एक अच्छी ऑप्शन है। मेडिटेशन के लिए दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट होगी। म्यूजिक सीखना, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग या जो भी आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ जुड़े रहें। दूसरा टूल है स्माइल एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। जब हम मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाते हैं या फेस संवारते हैं, तो हमारा ध्यान इस तरफ होता है कि दूसरों को कैसा लगेगा। फ्रेंड्स, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े हों, तो खुद के लिए भी स्माइल जरूर करें। और दिन में जब भी आप कोई छोटे छोटे काम कंप्लीट करते हैं, तो खुद को भी अप्रिशिएट करते रहें, वेल डन डियर, कीप इट अप, या जो भी कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छा लगे आप खुद को देते रहें। तीसरा टूल है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स विद ग्रेस। मैंने देखा है कि कोई जब भी हमें पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की बजाय उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने एक अच्छा गाना सुनाया और आपको लोगों ने पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि बहुत अच्छा गाना था, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं कि मुझसे भी बढ़िया गाना और कई लोग गा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको अच्छे काम के लिए कॉम्प्लीमेंट दे, तो उसे पूरी ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें। इससे हमारी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। दोस्तों, तीन वीडियोस में मैंने आपसे पावर एंड साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में डिस्कस किया है, जिससे हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन तीनों फील्ड्स में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। विद बेस्ट विशेस फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।